अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नहर में लापता भाइयों के मिले शव, घटना स्थल से 10 किलोमीटर दूर पानी कम होने पर नागरिकों ने देखा। सनावत सोमवार को धनगांव थाना क्षेत्र के पास से गुजर रही इंदिरा सागर नहर में मुख्य नहर में नहाते हुए दो भाई डूब गए, जहां मंगलवार सुबह दोनों के शवों को घटना स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीणों ने देखा। धनगांव थाना प्रभारी शिवराम पाटीदार ने बताया कि मोहसिन उर्फ गोलू पिता शेख जमील 27 साल और जोएब पिता शेख जमील उम्र 16 वर्ष निवासी खजराना इंदौर के होकर दो पहिया वाहन से पेठिया गांव से इंदौर जा रहे थे, जहां जाने के दौरान नहर में नहाने के लिए रुके थे। जहां बड़ा भाई गोलू नहर में नहाने के लिए उतरा तो अचानक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए छोटा भाई जोहेफ कूदा, लेकिन नहर में तेज बहाव के कारण दोनों बह गए। धनगांव पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मोटक्का से गोताखोर बुलवाकर नहर में दोनों लापता भाइयों की तलाश कर रही थी, लेकिन पानी का तेज बहाव एवं रात का समय होने से दोनों का कोई सुराग नहीं मिला था। मंगलवार सुबह नहर में पानी कम होने के बाद ग्रामीणों ने दोनों शवों को देखा, जिसकी सूचना पर पानी से शव निकालकर सनावर सिविल अस्पताल भेजे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट सनावर।